तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी गंगा मौसी आई है। आओ गंगा मौसी, कोकी पेड़ा खाओ। किस खुशी में? मेरी बेटी के घर बेटा हुआ है। अच्छा, हाँ। बधाई हो। उसे पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बैठे ना गंगा मौसी। गंगा मौसी, हाँ। बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दामाद ठीक तरह से रखता नहीं। अरे वो तो एक साल पहले की बात है, लेकिन अब तो वो सुधर गया है। पहले वो उसको हर रोज पीटता था। हाँ, अब साल में एक आध बार पीट लेता है, और वो भी त्योहार के दिन। त्योहार के दिन? हाँ, हमारे यहाँ त्योहार के दिन शराब पी के बीवी को पीटने का रिवाज है। लेकिन अब तो वो एकदम जेंटलमैन बन गया है, घर के सारे कामकाज वही करता है, और आड़ोस पड़ोस में झांकता तक नहीं। इसके लिए क्या किया तुम्हारी बेटी ने? अरे वो क्या करेगी, मैंने किया। क्या? उसको अंधी बना दिया। हाँ, मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है कि जब तक बीवी ठीक ठाक हो, पति को उसकी परवाह ही नहीं रहती। क्या गंगा मौसी, इसके लिए तुमने अपनी बेटी की आंखें फोड़ डाली? अरे वो तो दामाद की आंखों में धूल झोंकने के लिए। मैं समझी नहीं। वैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो नाटक कर रही है अंधी होने का। लेकिन तुम्हारे दामाद को पता नहीं चला? कैसे चलेगा, मेरी भतीजी जो डॉक्टर है। अच्छा कोकी, मैं चलती हूँ। हाँ, तीसरा माला भी बाकी है। अच्छा, यानी पत्नी के अंधी बनने से पति में इतना फर्क पड़ता है? केशव, जानते हो हमारे ऑफिस में कौन आया है? कौन आया है? फेथ हिलर। फेथ हिलर मतलब? मतलब मरीज को सिर्फ छू के ठीक करने वाला। छे, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानते हो, इस वक्त वो ग्लोरिया को ठीक कर रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। बस ऐसे ही बैठे रहो। ये गोखले, ये आदमी उसे ठीक कर रहा है या गुदगुदी कर रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये लड़कियों को छूने का बहुत ही अच्छा बहाना है। हाय चिंटू। मम्मी, डैडी आ गए। डैडी मेरे लिए क्या लाती, बोलो ना। ये लाया हूँ, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। और मेरे लिए क्या लाया? मम्मी ना आपके लिए ये गॉगल लाए। अरे वाह केशु, थैंक यू। तुम्हें कैसे पता केशु कि मेरी आंखें सुबह से दर्द कर रही है? ये देखो ना केशु, कैसे लग रहे हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। रेमा शालिनी के लिए होगा। देखो कोकि, तुम बच्चे के सामने ऐसी वैसी बातें मत करो। डैडी मैंने कुछ नहीं सुना, मम्मी एक बार कहा ना। अंदर जा, शैतान कहेगा। ऑफिस से आती है तुम्हारी किटकिट शुरू हो जाती। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? पड़ोसन के लिए गॉगल लेके आए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम मेरी पड़ोसन बन जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। हेलो। हेलो दिलरुबा जी। ओ केकु जी, कैसे हैं आप? कहीं कैसे याद किया? दिलरुबा जी, प्रेमा जी है? डॉल तो शूटिंग पर गई है, कुछ काम था? नहीं बस यूं ही, फोन देखा तो सोचा फोन कर लूं। कोकी जी हैं? कोकी, ओ कोकी, ये लो दिलरुबा जी तुमसे बात करना चाहते हैं। और सुनो, अरे क्या कर रही हो, फोन जल्दी से कट करना। हेलो दिलरुबा जी। हाँ कहिए। आज आप एक भी बार दिन में मुझे बालकनी में दिखाई नहीं दी। गो। क्या है ना दिलरुबा जी, आज सुबह से मेरी आंखें बहुत जल रही है। तुम्हां? क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ केशु, केशु मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है। ये सब सुबह शाम मुझ पर पहरा देने का नतीजा है। केशु, क्या है? तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लाओ। अच्छा अच्छा, एक काम करो। क्या हुआ? अपनी गंगा मौसी है ना, उसके पहचान की कोई आई स्पेशलिस्ट है। अच्छा। उसे बुला लाओ। जल्दी केशु, गंगा मौसी। क्या? हाँ दिलबुरा अंकल, मम्मी की आंखों को कुछ हो गया है। तो फिर डॉक्टर को नहीं बुलाया क्या? डॉक्टर को तो बुला दिया, लेकिन आप भी आओ ना। मैं क्यों? क्योंकि दो रोटियां बनानी और बाकी है। मैंने सुना कि कोकी जी की आंखों की रोशनी चली गई। दिलरुबा जी आहिस्ता बोलिए, वरना मेरे कानों की रोशनी चली जाएगी। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ?
श्योर व्हाई नॉट, आपकी आंखें तो ठीक लग रही है। क्यों ना मिल सकता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बार बार बालकनी में देखने से ही उसकी आंखें खराब हो गई। ये अंदर कौन है? वो गंगा मौसी की भतीजी है, डॉक्टर है। आंखों की डॉक्टर है? वो नहीं, पैरों की डॉक्टर है। डॉक्टर, 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 कैसी है वो? उसकी आंखों को क्या हुआ है डॉक्टर? उनकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या? नहीं डॉक्टर, वो हमेशा के लिए अंधी हो गई। चुप हो जा, चुप हो जा। गंगा मौसी, मुझे तो लगा कि कोकी नाटक कर रही है। केशु, केशु तुम कहाँ हो? केशु कहाँ जा रही है? कोकी, कोकी, केशु, ये वो दिलरुबा है। सॉरी सॉरी कोकी जी, ये आपको क्या हो गया? शांत हो जाइए दिलरुबा जी, आपकी सुंदर आंखों को ये क्या हो गया? तकदीर का खेल है, क्या कर सकते हैं? डॉक्टर, क्या इनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता, बशर्ते कोई अपनी एक आंख डोनेट करे। मैं डोनेट करूंगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो वो अंधी ही ठीक है। थैंक यू दिलरुबा जी, आप मेरे लिए अपनी एक आंख डोनेट करेंगे, केशु तो मेरे लिए दोनों आंखें डोनेट करेगा, है ना केशु? हां यस कोकी, लेकिन एक 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 प्रॉब्लम है। क्या केशु? फिर वो तीन आंखें हो जाएगी ना? तो कोई बात नहीं, मैं अपनी एक आंख वापस ले लेता हूँ। वापस भी ले ली? ये ठीक रहेगा, लेकिन केशु क्या सच में तुम मेरे लिए आंखें डोनेट करोगे? श्योर कोकी, एनीथिंग फॉर यू, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम है कोकी। अब क्या है केशु? तुम्हारी आंखों को चश्मा लग जाएगा ना? मैं तुम्हें चश्मे में नहीं देख सकता। देखिए मरीज को आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर आती रहना। केशु मैं अंधी हो गई हूँ, बहरी नहीं। अच्छा कोकी मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊंगी, तुम आराम करना। कोकी जी, हाँ? मैं भी चलता हूँ। हाँ? आराम कीजिए। आराम करेंगे। आते रहना। हाँ दिलरुबा जी, आते रहेंगे। टेक केयर। आते रहेंगे, आते रहेंगे। अच्छा दिलरुबा जी, मैं क्या कह रही थी? अब वो गए गए। अब एक बात अच्छी हो गई कोकी। क्या? अब रात को सोते वक्त तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो दिन रात आंखें आप खुली रखूंगी केशु। दिल दिल दिल, कहाँ हो तुम? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। झूठ मत बोलो, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं कोकी जी को देखने चला गया था। क्यों? दिन भर देख के दिल नहीं भरा? ये बात नहीं है डॉल, बात ये है कि दिल कोकी जी अंधी हो गई है। तुम इसलिए रो रहे हो? और यहाँ मैं लंगड़ी हो गई हूँ, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? मैं शूटिंग कर रही थी, वहाँ टोटो ने बोला टेक, और अचानक उनकी आंखों में दर्द होने लगा। मेरे पैर पे मोच आ गई। सेट पे डॉक्टर को भी बुलाया हमने। इतने लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और क्या, इतनी पॉपुलर है कोकी जी। यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ और तुम कोकी जी कर रहे हो। I'm sorry doll, दिखाओ दिखाओ तू कहाँ लगी, क्या? रहने दो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं 10 दिन का शेड्यूल मेरा कैंसिल हो गया शूटिंग का। चलो इसी बहाने मैं 10 दिन तक कोकी जी की ठीक से देखभाल कर पाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम तुम्हारी शूटिंग कैंसिल हुई है, 10 दिन तुम घर में रहोगी मेरे पास मेरे साथ। तुम्हें मेरी इतनी परवाह है? ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या। ओह माय लव, माय लव, आज रात को हम लेट सोएंगे, कल सुबह हम लेट उठेंगे, और कल मैं तुम्हारे लिए कप चाय बनाऊंगी। और मैं सुबह कोकी जी को मिलने चला जाऊंगा। कौन है? मैं हूँ केशु, तुम्हारा केशु। कोकी रिलैक्स। मैं कितना डर गई थी केशु।
केशु हाँ? एक बात बताओ। पूछो कोकी। तुम मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? पहले मैं तुम्हें प्यार करता था? मतलब कोकी, हमारा प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है ना। सो तुम्हें देख रही हूँ। देख रही हूँ? मन की आंखों से केशु। मन की आंखों से देखो देखो केशु। हाँ? बताओ ना, तुम मुझे मेरे लिए क्या क्या करोगे? तुम्हारे लिए कोकी, सबसे पहले तो मैं हट्टी कट्टी नौकरानी लाऊंगा। और वेल, रोज सुबह मैं तुम्हें घुमाने ले जाया करूंगा। कहाँ? बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी पर, गहरे तालाब के किनारे। मुझे धक्का देने का इरादा है क्या? ऐसा नहीं बोलते, तुम्हें मेरे प्यार पर शक हो रहा है क्या? नहीं, शक नहीं हो रहा है, मगर एक बात बताओ। हाँ बोलो। बुरा मत मानना केशु, मुझे यूं क्यों लग रहा है, यानी मेरी मन की आंखों को, कि तुम्हारी नजर बार बार प्रेमा शालिनी की बालकनी की तरफ जा रही है? नहीं, ये गलत है कोकी। फिर ठीक है। चलो, तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं काम करता हूँ। क्या? मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। अरे मम्मी डैडी, आप दोनों आंख में चोली खेल रहे हो। तुम्हारे डैडी मेरे लिए धृतराष्ट्र बन गए है। ओ, महाभारत वाले? हाँ। और तुम गंधारी? हाँ। इसका मतलब कि मुझे 100-100 भाई मिलेंगे। मम्मी, गंगा मौसी आई है। अरे आओ आओ गंगा मौसी। कोकी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय नाश्ता ले जाऊं। थैंक यू गंगा मौसी। अरे, इनकी आंखों को क्या हो गया? वो मेरे लिए अंधे बन गए हैं। देखो कोकी, मैं क्या बताऊं, यहाँ तुम अंधी बनी हुई हो और वहाँ वो प्रेमा शालिनी लंगड़ी हो गई है। डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ डॉल? एक और फिल्म मेरे हाथ से निकल गई इस पैर की वजह से। नो प्रॉब्लम डॉल, पड़ोस की गंगा मौसी ने तुम्हारे लिए ये मल्लम प्रिस्क्राइब किया है, तोड़ मोड़ के जोड़ मल्लम। हाँ, इसको तुम लगाओ डेली, हफ्ते भर में खड़ी हो जाओगी, महीने भर में चलने लगोगी। इस मल्लम को घर से बाहर फेंक दो, मुझे एक ऐसी दवाई चाहिए जिससे मैं एक सेकंड में ठीक हो जाऊँ। आइडिया केशव, आइडिया। तेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते गोखले? नहीं यार, इस बार माफ कर दे, मैं फंस जाता हूँ। इस बार ब्रिलियंट आइडिया है। ब्रिलियंट है? चलो एक बार और रिस्क ले लेता हूँ, बता। मम्मी, पहचाना तो कौन आया है? कौन, गंगा मौसी? नहीं, उनके साइज के ही है। फिर दूध वाला भैया होगा? नहीं, आप बहुत करीब पहुंची हो। फिर तुम्हारा कोई दोस्त होगा? नहीं, इन तीनों को जो मिलाकर बनेंगे ना, वो है। तो पहले ही बता देना चाहिए था ना कि दिलरुबा अंकल आए। ठीक पहचाना आपने कोकी जी ने। बैठिए ना। आप बैठिए, इधर इधर है कुर्सी। बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। मैं बैठ गई। बाय टच, यानी कि प्रेमा जी को टच करने को मिलेगा? केशव हाँ। तो फिर आज शाम को प्रेमा जी के घर हीलिंग बाय टच। कम, मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ ना, आपके पास। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? नहीं है, है। चिंटू, मेरी लकड़ी लेके आना। ना, 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 नाराज हो गई आप? नहीं नहीं, नाराज क्यों हो जाओ, मगर मुझे ऐसे आदमी को लकड़ी तो चाहिए ही ना। तो मैं बन जाऊंगा आपकी लकड़ी? नहीं आए ना। नहीं, मैं आपकी लकड़ी बनता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आए ना, मैं लकड़ी हूँ आपकी। अरे रुबा जी, मैं लकड़ी हूँ आपकी। लकड़ी की जरूरत नहीं है। दिल बुरा अंकल, इतना सब तो मेरे डैडी भी नहीं कहते। अभी पता चल जाएगा, चल। देखा गोखले, मैंने कहा था ना कि कोकी अंधी हो चुकी है। केशव, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। अच्छा, चल अंदर, अभी पता चल जाएगा। चलो। लगता है कोकी अंदर है। हाँ, अभी पता चलेगा कोकी भाभी अंधी हो गई है या नहीं। यस, मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ। ए कोकले, छुपने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़ा रहे। कोकी, कोकी, केशु, कोकी, केशु तुम आ गए? या हूँ डार्लिंग। चिंटू कहाँ है कोकी? चिंटू? चिंटू यहीं कहीं पड़ोस में गया होगा। ओके ओके, ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ये हाँ, इसे क्या कर रही हो? ये कॉकरोच हो गए ना घर में, इसलिए दवाई मार रही है। नहीं, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। अरे नहीं, मच्छर भी बहुत है। अरे
ये कौन खांस रहा है? मैं खांस रहा हूँ। नहीं नहीं, ये दो दो आवाजें आ रही हैं। ये प्रतिध्वनि खांसी है, एको खांसी। अरे वाह, ये अच्छा प्रतिध्वनि है। पहले प्रतिध्वनि आता है, बाद में ओरिजिनल साउंड आता है। ये अभी अभी नई खांसी निकली है ना, एको खांसी। अच्छा, मुझे दे दो। हाँ। मैं अभी रख के आता हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ, अभी आया। हाँ। केशु क्या कर रहे हो? केशु, केशु, कोकी, केशु। हाँ कोकी। अरे तुम यहाँ से आए? इसका मतलब हमारे घर में चोर आया है। चोर? नहीं नहीं नहीं, चोर नहीं है, तुम्हारा बहन है। बहन नहीं, अभी अभी मैंने महसूस किया है। लेकिन तुम डरो नहीं है केशव। हाँ? चोर को भगाने के लिए मेरे पास तीखा तरीका है। तीखा तरीका? हाँ, ये देखो, इसमें ना मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का। हाँ? जैसे चोर घर में आता है। हाँ? केशव। हाँ, एको, एको। अभी आया, अभी आया। कहाँ जा रहे हो केशव? कैसा लग रहा है गोगले? ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है? दिख रहा है? वेरी गुड। अब तो तुझे यकीन हो गया कि कोकी वाकई में अंधी है? कोकी अंधी हो ना हो, मैं जरूर अंधा बनने वाला हूँ। वो सब बातें भूल जा, वो सब बातें भूल जा। हाँ। एक ही बात याद रख। हाँ? ऑपरेशन प्रेमशाली। दिल, मेरे पैर दबा रहे हो या आटा मल रहे हो? मसाज कर रहा हूँ तुम्हारी। ये मसाज करने का तरीका है? क्या नहीं करता फिर मैं? गुस्सा क्यों हो रहे हो? यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम गुस्सा हो रहे हो? तो फिर करने दो ना मेरे को अपने स्टाइल से। अब बेल तो सुनो। पूरे प्यार में बहरा हो चुका हूँ। कौन है? कहिए कहिए। कैशव कुलकर्णी यहाँ आया है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। आप कौन? मैं उनका एक पेशेंट हूँ। पेशेंट? केशव जी डॉक्टर भी हैं क्या? ऑफ कोर्स, उनके पास डिग्री नहीं तो क्या हुआ, शक्ति तो है। शक्ति? कैसा शक्ति है? यू नो, वो पेशेंट को ओनली छू के ठीक कर सकता है। उनकी पत्नी ने बोला वो यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आया। ओके ओके। देव कौन है ये? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस भीमा शालिनी। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य। नाइस टू मीट यू। अरे अरे अरे, क्या हो गया? अरे आ गई, मिली आ गई। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, फोन करके बुलाओ। गुड इवनिंग प्रेमा जी। देखिए ना, ये देखिए कौन है, क्या हो गया? ओह, फिरवानी फिर से गिर गया। डोंट वरी दुर्गा जी, केशव डॉक्टर। यस डॉक्टर केशव। डॉक्टर केशव, थैंक यू वेरी मच, तुम टाइम पे आ गया, अदरवाइज हम। और भी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा केशव डॉक्टर, हमको फिर कब आना पड़ेगा? फिर आने फिर आने की जरूरत नहीं, तुम कहीं भी फिर सकते हो। ओहो थैंक यू। ओके बाय प्रेमा जी, हम जाता है। ओके ओके प्रेमा जी, जाता हूँ। जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। नहीं, आप घर नहीं जा सकते। क्यों? आपने इस आदमी को 2 सेकंड में ठीक कर दिया। मैं 2 दिन से यहाँ अपना पाँव पकड़े बैठी हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे आप? प्रेमा जी, आपके लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके पैरों को छूना पड़ेगा। You mean healing by touch? Yes, touch. ठीक होने के लिए मैं आपकी टच को भी बर्दाश्त कर लूंगी। दिलरुबा जी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं आउट ऑफ टच हो जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। देव नहीं, देव मुझे मालूम अच्छी तरह।
ये हीलिंग बाय टच है, ये फीलिंग बाय टच है। रेडी? आंखें बंद कीजिए। ओके। बड़ा हाथ था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, I'm so happy। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोकी जी बिल्कुल ठीक हो गई।